जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिहाद की। आपने भी बहुत सारे जिहादी मामले देखे होंगे। नए जिहाद का चाल चलन आजकल चल रहा है, जो है पेशाब जिहाद का। हैरान हो गए ना आप? आपने सुना होगा लव जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद आदि। इसी जिहादों से मिलता जुलता है पेशाब जिहाद, जिसमें कट्टरपंथी समुदाय के लोग जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहे थे। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, इनकी जिहादी शिक्षा इनके मदरसों में की जाती है। ऐसा ही एक मामला आया हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां एक दुकानदार अपने जूस के ठेले में पेशाब, मानव पेशाब को मिलाकर बेच रहा था। स्थानीय लोगों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने लोकल के पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया, तो पुलिस जांच के लिए आई और जांच में ये पाया कि उस दुकानदार के पास टैंकर भर, गांव में पर्याप्त टैंकर इतना आता है, तो उतना उसके पास पेशाब था। उस पेशाब को जूस में मिलाकर पिलाता था और उस व्यक्ति का नाम है आमिर खान। यह मिलावट वो कई महीनों से कर रहा था दोस्तों। ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग बहुत ही जिहाद के नाम में रोटी में थूकना, फेसियल के समय चेहरे में थूकना या रेल जैसी घटनाओं को अंजाम देना, इन लोगों की जिहाद में ये सब शामिल है। ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने ऐलान किया है कि जो भी खाद्य पदार्थ दुकानें हैं, जैसे रेस्टोरेंट, जूस का ठेला, फल एवं सब्जियों की दुकानों में मालिकों के नाम के साथ बोर्ड लगाएं, तभी दुकानों को परमिशन दी जाएगी। खाने पीने वाली जगहों पर फेस मास्क, हाथों में ग्लव्स एवं खाने में मिलावट ना हो, इसके लिए किचन में सीसीटीवी कैमरा भी लगाना अनिवार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ का फरमान नहीं माना जाएगा तो बाबा बुलडोजर का आतंक देखने के लिए वह व्यक्ति तैयार हो जाए। अगर आदित्यनाथ योगी से, बुलडोजर बाबा से अगर इस बात में आप सहमत हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कट्टरपंथियों की मानसिकता अभी भी हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हिंदू ना समझ है? ये हिंदू देवी देवताओं एवं धर्म भ्रष्ट करने के लिए घर से निकल चुके हैं। इनकी सोच आज भी औरंगजेब जैसे शरिया कानून जैसी है। ये घटनाएं केवल एक दो ही नहीं, इनकी पूरी कम्युनिटी बनी हुई है हिंदुओं के खिलाफ। हाल ही की कुछ घटनाएं हैं जिनमें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लव जिहाद है जो बेंगलोर में महालक्ष्मी नाम की एक लड़की के साथ में अशरफ नाम का एक व्यक्ति 59 टुकड़े करके उस लड़की को फ्रिज में रख कर उड़ीसा भग गया। दूसरा है लैंड जिहाद, ये भी अभी ट्रेंड में चल रहा है। वक्फ बोर्ड के नाम में किसी की भी संपत्ति को अपना मालिकाना हक बताने के लिए वक्फ बोर्ड जिहाद यानी लैंड जिहाद बनाया गया है। इस लैंड जिहाद के अंतर्गत मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा ही लोगों ने दावा कर दिया है। तीसरा है रेल जिहाद। रेल जिहाद में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखना, बाइक रखना, बड़े भारी लकड़ी से भरे गट्ठर रखना, ताकि जो है रेल ट्रैक से उतर जाए और बड़ी दुर्घटना का शिकार हो। चौथा है थूक जिहाद। तंदूर रोटी में थूकना, दूध में थूकना, फेसियल में, चेहरे में थूकना। और पांचवा है पेशाब जिहाद। गाजियाबाद के अमीर ने जूस में पेशाब मिलाकर दुकानदारी करता रहा। अगला है, इनकी मानसिकता से न केवल देवी देवताएं अशुद्ध होते हैं, उपवास में ऐसी चीज़ों का सेवन, उपवास खंडित एवं ऐसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इससे हम बीमार हो सकते हैं, बच्चों से भरा परिवार भी बीमारी का शिकार हो सकता है।
अगर आप इन सब चीज़ों से सावधानी रखना चाहते हैं, अपना धर्म बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित एवं बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, तो कुछ बचाव हैं, उनका आप पालन करिए। जो हैं खाने पीने की या प्रसाद की सामग्री एवं फल सब्जियां हिंदू भाइयों की दुकानों से खरीदें। अपने बच्चों से कहें कि स्कूल में ऐसे मित्रों की संगति ना करें जो हमारे धर्म के खिलाफ भड़काते हैं और वह कहते हैं कि आपका ईश्वर कमज़ोर है और हमारा ईश्वर सबसे ताकतवर। ऐसे लोगों से खासकर बचें। हम हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि अपना सामान हिंदू भाइयों से ही खरीदें, ताकि हमारा पैसा हमारे भाइयों के पास ही रहे, ना कि हमारा पैसा आतंकियों के पास जाए और उन लोगों को बंदूकें खरीदने से सपोर्ट अगला मिले। है, अगर बेटी बचाना है तो अपने संस्कारों को मजबूत करो, धर्म का ज्ञान दो। अगर परिवार बचाना है तो बच्चों में संस्कार दो। अगर बेटे को राम बनाना है तो रामायण पढ़ाओ। अगर देश को बचाना है तो महाभारत और गीता पढ़ाओ। अगर धर्म की रक्षा करना है तो बजरंग दल से जुड़े जो कट्टरपंथियों की मार चुप सके। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो कट्टरपंथियों को निपटने के लिए मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए लिखा है। मैंने कहा जाओ स्वर्गलोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, समय अभी है, जाओ और ईश्वर को सखा बनाओ। पहिया क्या धरती रथ निकलेगी, ये काल समान लड़ेगा। हो जाए शस्त्र विहीन किंतु फिर भी संग्राम लड़ेगा। बल से ना कर सको वध तो इंद्र के छल से करना, या ओट पकड़ कुंती माँ की नैनों से के जल से करना। ईर्ष्या कपट अपमान करुणा पीकर व्यक्तित्व गढ़ा है, ओ कृपा पात्र अर्जुनों सामने शापित कर्ण खड़ा है। यह व्यक्तित्व महाभारत के उस दौर से है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं और सामने कर्ण जैसा योद्धा खड़ा है, उससे बड़ा दानी कहते हैं धरती पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने अपने गले का निछावर कर दिया मात्र दान देने के लिए। इससे बड़ा दानी कोई नहीं था, लेकिन उसने धर्म के खिलाफ लड़ा, इसलिए वह मारा गया। धर्म का साथ दो, अपने भाइयों का साथ दो, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। जय श्री राम।